चाय बहुत जरूरी है, तो चाय आपको यहीं पे अच्छी मिल जाती है, जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ चलो हमने पिया है। अब हम अगली अपना यात्रा का पार्ट शुरू बात आए, तो हमारा अगला पार्ट है कि यात्रा की वापसी, यानी कटरा से फिर से 2 दिन का हमारा चुकी ट्रिप था, और हम लोग मार्केट में गए, तो मार्केट में जानते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, अखरोट, बादाम, दुनिया भर का चीज़ें नेवा वाली, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रसाद के तौर पर खरीदते हैं। जैसा आप वहाँ जाएंगे वहाँ वैसी ही चीज़ मिल जाएंगी, अच्छी दुकान जाएंगे अच्छा दाम है, आप नॉर्मल दुकान जाएंगे थोड़ा सा कम मिलेगा, चीज़ वही, लेकिन फंसाते बहुत हैं कि आपको चीज़ दिखाएंगे कुछ और चिपका कुछ और देते, कई बार होता है केसर वाले बेचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, हींग वाले बहुत मिल जाएंगे, हींग ले लीजिए ये केसर ले लीजिए, लेकिन बात वही, अगर आपको इतनी परख हो तो लीजिए, वरना फिर मत लीजिए, तो ऑनलाइन ही मंगा लीजिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हमारा अगले यात्रा के सफर की हम बात करें, तो कटरा से नई दिल्ली का सफर हमारा कैसा रहा ये भी हम आपको बता देते हैं। अब फिर से वंदे भारत ट्रेन से हमारी टिकट थी नई दिल्ली के लिए, इस बार हमारी टिकट थी जो थी इकोनॉमी क्लास की थी, यानी जहाँ पे 2 सीटर सिस्टम होता है, और इसका किराया जो होता है वो होता है एक एक बंदे का किराया 3,055 रुपये होता है, यानी महंगा है किराया, महंगा किराया तो फिर महंगा मैं भी यहाँ तो उस ट्रेन में जब आओगे, एक तो सीट फोल्डेबल होती है 360 आप अपनी सीट को पूरी तरीके से घुमा सकते हो, वंदे भारत में जो इकोनॉमी क्लास में, यानी आपको विंडो साइड करनी है विंडो साइड कर लीजिए, आपको पीछे साइड करनी है पीछे साइड कर लीजिए, चाहे जैसे सीट घुमा लीजिए, 2-2 सीट का होता है पेयर। ठीक है, अगर आप लोग 4-6 लोग हैं तो आप एक साथ अगर कहीं सीट मिल जाएगी वो लाइन से, तो आप सब लोग अपनी सीटें एक साइड घुमा के अपना फैमिली क्लब टाइप का बना सकते हैं, ये अच्छी बात। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको मिलता है खाना मिलता है, इसके बाद आपको एक डिब्बा भी दिया जाता है, उपमा या कुछ और दिया जाता है, वो भी होता है, आपको लगेगा ये कहीं बेचने तो नहीं आया, लेकिन क्या मत कीजिएगा, आप डर के मारे खरीदेंगे नहीं, सोचेंगे मत लो यार कहीं पैसा पड़ेगा, लेकिन वो फ्री में होता है। यहाँ इस ट्रेन के अंदर कुछ भी आए उसे मना मत कीजिए, क्योंकि वो सारा आपके टिकट फेयर में जुड़ा हुआ है, फ्री है। ठीक है, फ्री क्या मतलब आपके टिकट से कट चुका है, तो आप ये मत सोचिएगा कहीं इसका हमको पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी पैसे वाले ट्रेन का टिकट के सिवा आपको कोई चीज़ का पैसा नहीं देगा। पानी आप ले सकते हैं कितनी बार भी, चाय आपको 1-2 बार मिल जाती है, जूस मिलेगा, खाना फिर से वही पूरा कंप्लीट खाना है, नाश्ता भी मिलता है, दोपहर खाना मिलता है, सूप मिलेगा इकोनॉमी क्लास में, ये इकोनॉमी क्लास में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आपको अच्छा खासा पैसा 3,000 रुपये देते हैं तो वसूल रहता है। फिर वही चीज़, ट्रेन के अंदर कुछ भी बाहर का बिकने नहीं आएगा, तो पहले ही लेकर रख लीजिए ताकि बच्चे परेशान ना करें। अब वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो 3 बजे की ट्रेन है, 3 बजे वहाँ से शुरू होती है जो गाड़ी का नंबर है 22440 जो ट्रेन है, यानी कटरा से दिल्ली के लिए, और 22439 जो है नई दिल्ली से कटरा के लिए, जो नई दिल्ली से कटरा पहुँचती है वही ट्रेन वापसी करती है दिल्ली, ये समझ लीजिए। तो 3 बजे का है, लेकिन 3:30 बजे के आसपास ट्रेन वहाँ से चलती है, और आपको यहाँ पे 12-12:30 बजे नई दिल्ली वो ट्रेन उतार देती है, ये सफ़र आपका हो जाता है ख़त्म। ये तो वैष्णो देवी का सफ़र हमने आपको डिटेल साथ बताया, अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं दी गई, वैसे मेरे ख्याल से सारी जानकारी हमने दी और हर चीज़ हमने बताई किस तरह से आप कर सकते हैं, कम से कम खर्च, ज़्यादा खर्च खाने पीने पे होता है, तो खाना पीना वहाँ महंगा है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ खाना पीना खाएंगे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए बजट के हिसाब से पैक खाना खाएं, इसका रेट फिक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, और ढाबे में अगर खाने का पैसा खर्च कर रहे हैं तो ऐसे ढाबे वाबे में खाएँ, थोड़ा स्वाद भी मिलेगा, तो आपके लगेगा पैसा वसूल, होटल आपके मनमाफिक हर तरह के होटल मिल जाएंगे वहाँ। ये हमारी यात्रा यहाँ पे एंड होती है, और भी अगर हम कहीं घूमने जाएंगे तो आपको उसका भी ब्यौरा देंगे। नमस्कार।